सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय, विश्वास और सम्मान, यह एक ऐसी पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आती है। याद रखिए, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। छोटों को देखकर जिए, बड़ों को देखकर आगे बढ़ें, अच्छे के लिए प्रयास करें, बुरे के लिए तैयार रहें, सोच ऊंची व अच्छी रखें। आज का पंचांग 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 12:31 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 9:03 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:36 से 3:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:45 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 9:03 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज है ललित पंचमी। आप सभी को नवरात्रि की 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा बनी रही। मेष राशि 19 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार, आप अपने आलोचकों का अच्छे से सामना कर रहे हैं और आपके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की जा रही है। आपको अपने प्रयासों का पुरस्कार मिलेगा। परिवार संबंधी समस्याओं जैसे मतभेद या स्वास्थ्य में गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं या मांग सकते हैं। आज के दिन का पूरा आनंद ले। अगर किसी यात्रा पर जा रही हैं तो उसकी योजना पहले से बना लें, क्योंकि आखिरी समय में परेशानी हो सकती है। रोचक लोगों से मिलना आज आपकी किस्मत में लिखा है। बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता या असफलता के बीज बो सकता है। परिवार के किसी सदस्य को कोई उपलब्धि मिलने से घर में उत्साह भरा माहौल रहेगा। कोई कोर्ट केस अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुके हुए काम का फैसला आपके हक में हो सकता है, जिससे आपको चल रही बहुत अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। अगर दो लोगों का विवाद चल रहा है तो आपको बिना मांगे किसी अगर दो लोगों का विवाद चल रहा है तो आपको बिना मांगे किसी को सलाह ना दें। मदद मांगी नहीं जाती तब तक विवाद से दूर रहें। आपका पक्ष लोग आसानी से नहीं समझेंगे। आपको आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी होगी। जिन बातों में बदलाव करना फिलहाल संभव नहीं है उन्हें छोड़कर दूसरे काम पर ध्यान दें। रिलेशनशिप से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, संतान की गतिविधियों और मित्रता पर नजर रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, वरना कोई इनका अनुचित फायदा भी उठा सकता है। किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आप उदास महसूस कर रहे हैं और कुछ समय सामाजिक सर्कल से कट ऑफ करके अकेले में बिताना चाहते हैं। अगर किसी के लिए पागल हैं तो अभी पूरा साहस बटोर कर अपनी चाहत का इजहार करें। याद रखें, सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों का साथ आपका खजाना है। आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले पूरी योजना बना लें और अपने साथी की भी इसमें सलाह लें। यह यात्रा आप दोनों को अच्छे पल देगी, जिससे आपका संबंध मजबूत होगा। अपने साथी पर विश्वास करें, यह आप दोनों के लिए लाभदायक है। बात करते हैं करियर की। आपके नेतृत्व या प्रबंध की क्षमता आपको लोगों के करीब ला रही है, जिससे आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने भविष्य की योजनाओं का मूल्यांकन करना अपने जीवन में सही चीजों पर पुनर्विचार करने का एक अच्छा तरीका है। याद रखें, परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता होती है। आज आप स्पेशल की जगह महसूस करेंगे और लोग भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले योजना बना लें।
आप कुछ रोचक लोगों से मिलेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। आज का मुद्दा पार्टी और उत्सव है। अच्छे परिणामों के लिए बड़ी महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है। बात करते हैं सेहत की। व्यस्तता की वजह से अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता करना ठीक नहीं है। खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से पेट खराब रह सकता है। सेहत से जुड़ी चिंता करने से बड़ी समस्या हो सकती है। सेहत के लिए नकारात्मक ना रहें। आज का उपाय, आज आप माता दुर्गा को हलवे का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।